हेलो एंड वेलकम टू द रेसिपी बाउल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी क्रीमी मिक्स फ्रूट कस्टर्ड, वो भी परफेक्ट मेजरमेंट और टिप्स के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले गैस ऑन करके मैंने उस पर एक पैन रख दिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप दूध। आप मेज़रमेंट के लिए कोई से भी कप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 250 ml का 1 कप यूज़ किया है, तो यहाँ टोटल मैंने आधा लीटर दूध काम में लिया है। और अब इस दूध को हमें बॉईल होने देना है। और इस दूध में से मैंने 1/4 कप दूध अलग से निकाल लिया था, जिसमें हम कस्टर्ड पाउडर को घोलेंगे। तो जब तक दूध बॉईल होता है, हम कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाउल लिया है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर यूज़ किया है। और अब इसके अंदर हमने जो दूध साइड में रखा था 1/4 कप, वो इसमें ऐड कर देना है। कस्टर्ड पाउडर का घोल बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि दूध इसमें हमें ठंडा ही यूज़ करना है, क्योंकि ठंडे दूध के अंदर कस्टर्ड पाउडर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और आप गर्म दूध यूज़ करेंगे तो इसमें बहुत सारे लम्ब्स पड़ जाएंगे, इसलिए आप ठंडा दूध ही यूज़ करें। और इसे अच्छे से मिक्स करके हमें साइड रख देना है। तो हम चलते हैं गैस की ओर, साथ ही साथ बीच बीच में दूध को भी हमें चलाते रहना है ताकि दूध तले में लगे ना। और जब दूध में हल्का उबाल आ जाएगा तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ दूध में हल्का उबाल आने लग गया है, तो अब मैं इसमें आधा कप चीनी ऐड करूँगी। कस्टर्ड की मिठास को आप अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। और जो आधा कप चीनी हमने इसमें यूज़ करी है, वो नॉर्मल मीठा कस्टर्ड बनाने के लिए काफ़ी है। तो अब दूध में उबाल आ चुका है और अब इस स्टेज पर हमें कस्टर्ड का जो घोल बनाकर तैयार किया था वो इसमें ऐड करना है। तो यहाँ हम दूध को कंटिन्यू चलाते हुए कस्टर्ड पाउडर का घोल इसमें डालते जाएंगे। इस समय हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहें और कंटिन्यू चलाते हुए इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इसे हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इस स्टेज पर मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और इसे हम गैस से नीचे उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो चुका है और अब इसे मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इसी के साथ हमें इसे कवर करके फ्रिज में रख देना है ठंडा होने के लिए। करीब 1 घंटा हमें इसे फ्रिज में रखना है और इसे कवर करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे वैसे और भी गाढ़ा होगा और इस पर एक लेयर सी बन जाएगी। तो वो लेयर ना बने और कस्टर्ड स्मूथ बने, इसके लिए हमें इसे कवर करना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा हो चुका है और कस्टर्ड भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसे हम एक बार मिक्स कर लेंगे। तो देखिए पहले से काफ़ी गाढ़ा भी हो गया है ये। और अब इसमें हम फ्रूट मिक्स करेंगे। फ्रूट आप सर्विंग के टाइम ही ऐड करें। अगर आप पहले से फ्रूट ऐड कर देंगे तो फ्रूट अपना पानी छोड़ देंगे और कस्टर्ड पतला हो जाएगा। तो यहाँ फ्रूट्स में मैंने लिया है 1/4 कप केला, साथ ही 1/4 कप हरे अंगूर, साथ ही 1/4 कप चॉप कीवी एप्पल, साथ ही 1/4 कप मैंने इसमें आम भी लिया है चॉप किया हुआ, और साथ ही मैंने 1/4 कप अनार के दाने लिए हैं। फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट हो। तो सभी फ्रूट्स को कस्टर्ड के साथ हमें अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है। तो इसी के साथ ही हमारा स्मूथ टेस्टी क्रीमी कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे हमें ठंडा ठंडा सर्व करना है। तो मैंने इसे सर्विंग बोल में निकाल लिया है और गार्निशिंग के लिए ऊपर से मैं इस पर कुछ कटे हुए फ्रूट्स भी ऐड कर रही हूँ। तो देखिए बहुत ही टेस्टी कस्टर्ड बनकर हमारा तैयार हो गया है, देखने में कितना टेम्प्टिंग लग रहा है। तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।